अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। पास आएगा तो चल जाएगा। म्यूजिक प्ले करो ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाए। एक महीने बाद आपका जन्मदिन है और उस दिन तक वाइजैक फैक्ट्री में हजारों लोगों को नौकरी दी। तेरी प्रॉब्लम क्या है छोटे? मम्मी को दांत चाहिए। तो मैं दांत कहाँ से ला कर दूँ? कल कोई घर आया था, दांत पीस कर बात कर रहा था, मम्मी को वही दांत चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समित, आप देख रहे हैं समित रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं धमाका मूवी के बारे में। जहां मैंने देखी धमाका मूवी, कैसी है मूवी, क्या है मूवी की स्टोरी लाइन, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट के साथ बताएंगे मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करता हूं इस मूवी की स्टोरी को लेकर के। तो धमाका मूवी में रवि तेजा का हमें डबल रोल देखने के लिए मिलने वाला है। पहला जो रोल है वो अमीर आदमी का है एंड जो दूसरा रोल है वो मिडिल क्लास आदमी का है। यहाँ पे जो अमीर रवि तेजा है उनका जो संपत्ति है उसे कोई बिजनेसमैन है वो हड़पने की कोशिश करता है एंड अब वो उससे कैसे बचेंगे। एंड यहाँ पर जो सेकंड मिडिल क्लास जो रवि तेजा है उसकी बैकअप स्टोरी क्या है वो आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगी। एंड ये दोनों किस तरह से एक होंगे, क्या होगी कहानी, ये सब आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगी। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला। सो बात करते हैं इस मूवी के प्लस पॉइंट को लेकर। सबसे पहला रवि तेजा की एक्टिंग, यानी कि इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली रवि तेजा इज बैक। मतलब इतनी लंबे टाइम के बाद रवि तेजा की एक मूवी हमें देखने के लिए मिली और उनका जो डबल रोल है काफी अच्छा लगा मुझे। एक्टिंग रवि तेजा की नेक्स्ट लेवल है। एंड मैं बात करूं उनका जो उसके अंदर डांस है, डांस भी काफी ज्यादा कमाल का है। मैं यहाँ पे बात करूं श्रीलीला, तो श्रीलीला ने भी काफी अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया है, चाहे फिर वो उनका डांस हो या फिर रवि तेजा के साथ उनकी प्यारी केमिस्ट्री, आपको देखने में काफी अच्छी लगेगी। मूवी के अंदर आपको जो है वो कॉमेडी हाई एंड यहाँ पर एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। इस मूवी की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, इस मूवी का सॉन्ग, मतलब मूवी का जो सॉन्ग है फुल पैसा वसूल। बात करते हैं इस मूवी के इंटरवल की। इंटरवल का आखिरी का आधा घंटा आपको कुर्सी से बांध कर रखेगा। बिल्कुल आखिरी के आधे घंटे में आपको कॉमेडी, एक्शन एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड रवि तेजा की कॉमेडी भी आपको देखने के लिए मिलेगी जरूर इसके अंदर, और जो आपको हो सकता है पसंद भी आए। एंड में बात करते हैं इस मूवी के माइनस पॉइंट को लेकर के। सबसे पहला माइनस पॉइंट है इस मूवी का जो है सेकेंड हाफ, यानी कि फर्स्ट हाफ में जहाँ आपको दिखाया जाता है कि ट्विस्ट है, टर्न है, जो सेकंड हाफ आता है तो इसके अंदर आपको जो कहानी है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और रुखी रुखी चलने लगती है। यानी कि फर्स्ट हाफ जितना अच्छा रहता है सेकंड हाफ आपको खुश नहीं करेगा। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ बीच बीच में जो सॉन्ग या फिर मैं कहूँ कॉमेडी को एड करने के चक्कर में मेकर्स ने यहाँ पर जो ड्रामा है जिस तरह से दिखना चाहिए सीन उस तरह से नहीं दिखा पाए हैं। मतलब पूरी तरह से जो इमोशनल टच है वो फिल्म में नहीं बना पा रही है। एंड मैं यहाँ पर बात करूंगा कुल मिलाकर मूवी हमें देखनी चाहिए या फिर नहीं। सो धमाका जो है वो एक्शन ड्रामा फिल्म है एंड यहाँ पे रवि तेजा के होने के चक्कर में इसके अंदर आपको कॉमेडी भी देखने के लिए मिल जाती है। सो मैं कहूंगा कि एक बार जाकर के इस मूवी को जरूर देखिए और आपको ये मूवी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।